इतना बड़ा खदान भी है इधर। हम लोग आए थे थोड़ा मतलब गांव के बगल में ही है, इधर एक खदान। कैसे हाँ तो सुंदर दिख रहा था। भाग जाओ चलो। ये तो नहीं लेकिन मैक्स वाले भोग रहे नौ पर। तो गाइस देखिए अभी हम लोग मोमोज खा लिए और यहाँ पे सूप पी रहे हैं और हम भी सूप पी रहे हैं। कैसे हो आप सब, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे एड्स आपको एडीआर ब्लॉग। सो गाइस अभी जा रहे थोड़ा ब्लॉग काम है आप लोग की, जैसे नेक्स्ट ब्लॉग में देखे थे क्या। हाँ। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग, क्योंकि आकांक्षा का जाति आया वासी बनाना है और रोहित का भी बनाना है, रोहित का सिस्टर का भी बनाना है, मतलब कि हम लोग के फैमिली में भी बहुत कोई का काम आ गया, यही सेम चीज का तो जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, ये चलते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं बाहर, और वैसे भी बहुत सारा काम हो जाएगा उसके बीच। चलिए आते हैं गाइस, बिना मैक्स का वीडियो कंप्लीट नहीं होता है ना। आज इसको नहला दिया है गाइस। हाँ ये देखिए वाइट लग रहा है, आप रोक रहे हैं। तो गाइस हम गाड़ी का पेपर लेना भूल गए, क्योंकि गाड़ी भी बैटरी इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी तो नया, कांझा तो लाने गई है गाड़ी का कागज, क्योंकि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो बोले थे जिसके पास करते थे कि तुम लेके आना तो तेरा बना देंगे, जो भी है खराब बैटरी कुछ खराब हो गया तो उसी को बनवाना है। बहुत खतरनाक धूप है, गाड़ी इतना गर्म हो गया ना कि बाप रे बाप, आप लोग क्या बताएं। हम लेके आते हुए मिल गया, सब कुछ ले तो लिए लेकिन मैक्स वाले भोग रहे नौकर। मैक्स हमको दो बार भोग के पूरा थक गया, कहां जा रही है इतना, मतलब ये सब जो भूख रहा है सब मैक्स गुस्सा से भोका मेरे पे। चलो तुम काय भोग रहा है, चलो चले। अरे उधर कुत्ता भोग रहा है उसी को देखो। तो फ्रेंड्स हम लोग आए तो थे यहाँ पे काम के लिए ब्लॉक में, लेकिन काम यहाँ से नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा ब्लॉक जो कि है ना, मतलब पता चला कि यहाँ भी नहीं है, दूसरे प्लेस पर है। हाँ तो अभी गांव जा रहे हैं कुछ काम से, और बहुत सारे एडवोकेट मिले थे तो उनसे भी कुछ पूछ लिए हम लोग, जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस होता है पेपर को बनाने के लिए। तो अब जा रहे हैं, अब वहाँ देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, दिन भर लेट भी हो सकता है क्योंकि गाड़ी का भी इशू है, तो उस इशू को भी सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं चलते हैं क्या होता है। कुछ हुआ नहीं तो घर आ गए, खाना वाना खा के अब हम लोग का जो ब्लॉक है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। फिर भी मौसम पे डाउट ही हो रहा है, पर गाइस अभी भी मौसम पे डाउट, बाकी कोई बात नहीं, जय श्री राम और चलते रहते हैं। और देखिए मैक्स पापा, चलो लो खाओ बिस्किट खाओ। हम लोग आए थे थोड़ा मतलब गांव के बगल में ही है, इधर एक खदान है तो आप लोग को दिखा देते हैं। अच्छा किया था तो खुला एरिया में आए थे, अभी आप लोग को दिखाते हैं। एक खदान है, एक खदान पूरा खतरनाक है, आप लोग देखेंगे ना तो आप लोग का दिल दहल जाएगा। दिखाते आप लोगों को, ऊपर जाओ दिखाते हैं। खदान है पूरा, उधर हमारा डालमिया सीमेंट है, बाप रे बाप खतरनाक खदान है ना। हम तो आज देख रहे हैं कितना बड़ा खदान भी है इधर, देखिएगा इस खदान कैसा लगा खदान देख के तो। और वो हमारा डालमिया सीमेंट है उधर, और गाँव इधर, गाँव का हमारा स्टेशन है और उधर ही गाँव है, इधर मेरा घर है, इधर है ना, इधर बकरी लोग चरती है, इधर हम लोग का घर, ये बड़ा सा मैदान है। चलो चले, मजा आ गया, इतना खुला इलाका मिला ना तो क्या बात। देखिए गाइस गाड़ी यहाँ लगा है, अब चलते हैं। आकांक्षा का जो काम था वो तो होने वाला है, जो हम लोग को लेना था वो मिल भी गया है ना। हाँ सब बताएंगे, तो चलिए घर चलते हैं गाइस। अब काम मतलब कि लगभग कंप्लीट ही है, लेकिन उसके लिए और प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे अभी बारिश हो रहा है, हल्का हल्का बारिश है, तो हम लोग इस जगह पे रुके हुए, आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ रुके, गाँव से थोड़ा आगे ना वहीं पे रुके हुए हम। और था समोसा खाने का मन, लेकिन क्या करें, जो समोसा हम लोग खाते हैं जहाँ पे वो दुकान नहीं खुला है ना, नहीं खुला हुआ तो कहीं और खाएंगे। तब तक हम दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे खा दिए, खदान दिखा दिए। तो ये देखिए ये अमर है, ये रोहित है, और ये हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये देखिए गाइस वहाँ पे मोर है, ये हम लोग को जंगल में मिला, ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। वाओ काफी अच्छा है, पंख नहीं फैला रहा। ही ही ही। नहीं गया मोर वहाँ पे।
ना वही है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग मोमोज खा लिए और यहाँ पे सूप पी रहे हैं और हम भी सूप पी रहे हैं फ्री का। मोमोज के साथ यहाँ पे सूप फ्री में मिलता है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे सारा काम होने के बाद सब कुछ खा पी लेने के बाद पेट्रोल पंप आए और यहाँ पे हम थोड़े दूर पे खड़े क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा था ना, तो हवा चल रहा था तो हम बाइक से उतर गए और यहाँ पे अमर पेट्रोल लेंगे। और अभी इनके साथ क्या हो जाएगा कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगा, तो हम लोग मतलब शोरूम भी गए थे अपने बाइक का। हमारा गाड़ी का क्या होता है ना कि वो पूरा सामने का स्क्रीन पूरा ब्लैंक हो जाता है और लाइट भी अपने आप ऑफ हो जाता है, तो उसको भी दिखाने के लिए गए थे लेकिन वो काम बस एक नहीं हो पाया, बाकी जो पेपर का था वो सारा काम हो गया। तो देखिए अभी हम देखिए अभी बहुत देर बाद घर आए हैं ना, तो देखिए मैक्सी को ये देखिए मैक्सी ए ए हाय कैसे हाथ रहे सुंदर दिख रहा है बच्चो चलो 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 हाँ चलो 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 हाँ चलो 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 घर आते ही मैक्सवा का लुक क्या बाबू ये देखिए अच्छा अच्छा मैक्सी सुंदर 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 हटाओ ना यार हटाओ ना यार हटाओ देखिए 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 हटाओ ना यार हटाओ का है यार हटाओ ना। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत देर से वेट कर रहा था हम लोग का ना, बहुत देर से पूरा ढकला था। ये देखिए वाह 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 छोड़ दो छोड़ दो हटाओ 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 यार हटाओ क्या रहा है सुनो ना क्या चाहिए खाना खाना खाएगा खाना क्या चाहिए चलो अभी गाइस दाना खाएगा अब ना The next day. ये next day है और आकांक्षा खाना खा रही है क्या? खाना खा रहे और जा रहे सेकंड लास्ट एग्जाम देने, इसके बाद एक एग्जाम और बचा है गाइस। और 16 से मेरा, और आप लोग पूछते थे ना कि मेरा एग्जाम, तो गाइस हम जो डिप्लोमा कर रहे थे वो हम उसको बीच में स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा क्योंकि अब तो जा नहीं सकते वहाँ। हाँ, तो पढ़ाई तो भी आ गया था, तो पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इंटर का एडमिशन करवा दी है आकांक्षा न। हाँ। कि अगर वहाँ नहीं जाएगा तो कम से कम यहाँ भी पढ़ो, क्या पापा सही बात है ना? सही बात है। डिप्लोमा के लिए वेस्ट हो गया कुछ साल। अब वेस्ट हो गया तो क्या करे, ऐसे मतलब भी आधा सेमेस्टर पढ़ के छूट गया, तो कोई बात नहीं। तो आप लोग का क्वेश्चन था, तो हो सके आप लोग का क्वेश्चन जो भी था वो पूरा हो चुका होगा क्या, मे बी क्लियर हो पाया होगा या नहीं, क्योंकि पढ़ाई अभी छोड़ देंगे अगर इंटर भी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग का सही क्वेश्चन है कि इतना बड़ा हो गया अभी इंटर, तो गाइस मानिएगा तो इतना बड़ा कितना हो गया, 21-22 साल ही ना हुआ, इतने से हम जहां ग्रेजुएशन देने जा रहे हैं वहां पे इतने बड़ा। हां तो वो तो 30 साल 35 साल 40 साल पढ़ने का कोई एज नहीं होता है, बस इंसान को अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहिए। तो बस हां मेरा स्किप हो गया इसीलिए अब इंटर में एडमिशन करवा लिया, इसके बाद आईटीआई कर लेंगे। आप लोग ही रिकमेंड कीजिएगा आईटीआई करना सही है या फिर नहीं है क्या। हमारे ब्लॉग को आज यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस आप लोग देखिए कि हम लोग को कोर्ट वोट कार्यालय वगैरह जाना पड़ा, जो भी पेपर वगैरह था वो सब तो वहीं से होता है ना, तो सारा चीज अब हो गया, बस एक दिन और जाना है ऑनलाइन करके, फिर ऑफलाइन हो जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो चलते मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए बी सेफ इन योर होम। I've been driving this train.